सांप के साथ रक्षाबंधन मनाइएगा और सांप के दूध लावा चढ़ाते हैं। सांप दूध पीता है और लावा खाता है। अरे सांप शुद्ध मांसाहारी होता है, न दूध पीता है न लावा खाता है। उनका अंगूठा के पास गया तो अंगूठा उनको कुछ मांसाहारी टाइप लगा जिसके कारण बाइट किया। मूर्ख वाला काम करते रक्षाबंधन मनाइएगा और दूध लावा चढ़ाते हैं। दूध लावा नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं आपके पास विशेष एक वीडियो लेकर जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। और ये हमारे बिहार से ही छपरा जिला होता है, वहाँ से है और सीतलपुर गांव का है। और बहुत ही अफसोस के बात कहना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, कि आप जो वीडियो आप देखिएगा, देखते होंगे वीडियो, तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जो है कि काम किया है। और ये रक्षाबंधन का घटना है और इसका नाम मनमोहन है और भूअर लोग इसको प्यार से लोग बोलते थे। और लोगों का कहना है कि ये स्नैक रेस्क्यू करता था, पता नहीं, हमने तो कभी इनका स्नैक रेस्क्यू करते हुए देखा नहीं। लेकिन लोग कमेंट में इसका जो है कि आ रहा कि बहुत दिनों से कर रहा था। लेकिन कितना मूर्ख वाला काम किया कि सांप के साथ ये रक्षाबंधन मना रहे। ये मूर्खता से भरा पूरा, मतलब कि इसको मूर्ख ही बोलेंगे कि सांप के साथ कोई रक्षाबंधन नहीं मनाता है साहब। और लोग जो बोलते हैं नाग देवता नहीं होता है, नाग कोई भगवान नहीं होता है, नाग सांप होता है, कोबरा सांप होता है, उसमें जहर पाया जाता है और सांप में जो है ना कि बुद्धि नहीं होता है। ये सांप को जो जिस तरह से राखी बांध रहे थे और इनको बाइट कर लिया और ये भगवान के स्वर्गवास हो गए, बड़ी आत्मा को भगवान उनको शांति दे। ये सांप को भाई बहन बनाया जाता है। सांप कोई देवता नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। सांप एक जीव है, वो भी ऐसा जीव जिसके पास माइंड नहीं होता है ना, उसको हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये महाशय दो सांप को साथ में रख कर उसके बाद राखी बांध रहे हैं और टीका चंदन कर रहे हैं। और वो बात देख लीजिए, ये खालिए पैर जो है कि बिना जूता पहने हुए वहां पे सांप के साथ खेल रहे हैं और सांप जो है कि जाते ही जो है कि इसको जो है ना किस एकदम जो है ना कि ऐसा बाइट किया कि इसको जो है ना कि वहां पे नस होता है ना कि नस के अंदर में दांत घुस गया, जिसके कारण विष जो है ना इसके नस में प्रवेश कर गया और डायरेक्ट जो है कि ब्लड से जुड़ गया, जिसके कारण इनका मौत जो है ना कि प्रभाततारा हॉस्पिटल आते आते जो है कि इनका हो गया। और बड़ी अफसोस के बात कहना पड़ रहा है कि इस तरह का जो है ना कि बेवकूफ़ी वाला हरकत कोई भी आदमी ना करे। स्नैक रेस्क्यू करना बहुत अच्छी बात है, जीव जंतु को बचाना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण उनके लिए हमारा मित्र नहीं है। इसलिए सांप के साथ जो है ना कि जिस तरह से ये महाशय गलती कर रहे हैं, ये एकदम मूर्खता का परिचय देते हुए ये ईश्वर को स्वर्गवास हो गए, ईश्वर के पास चले गए। पता नहीं कि हम इनको क्या बोले। सांप पकड़ना अच्छी बात है, सांप बाइट करेगा तो मुझे भी, मैं सांप पकड़ता हूं तो हो सकता है कि मुझे सांप काटे तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये बेकूफाना हरकत जो किया है वो सबसे जो है ना कि एकदम बुरबकई है, जो बोलिए इसको, इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। हम सांप को पकड़ते हैं, सांप के पकड़ने के दौरान में जो है कोई घटना हमारे साथ भी हो सकता है, सर नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन बुर्बक वाला काम करके मूर्खता का परिचय देते हुए अगर हम ये काम करते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए आप सब जितने भी हमारे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे निवेदन है कि ऐसा गलती आप लोग जो है कि कभी ना करें। और अगर आपके पास जो है कि सांप आ जाए और सांप दिखे तो आप खालिए पैर हैं तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जूता पहने हुए हैं तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपको जाने का नसीहत नहीं देंगे, क्योंकि ये काम केवल एक एक्सपर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मनमोहन जी हैं उर्फ भूअर और छपरा जिला के निवासी थे और सीतलपुर गांव के। ये घर में जो है ना कि माझल भाई जो होता है कि तीन भाई में से ये माझल भाई था और पूरा परिवार का दायित्व इन्हीं पर था। इसकी बहन भी थी, बहन जो है ना कि बहन से जो है ना कि राखी बंधवा रहा था, शुक्र मनाइए कि ये सांप जो है कि भूअर जी को काटा, इनके बहन को नहीं काटा। इनका बहन जिस तरह से राखी बांधने गई तो हो सकता था कि इसको बहन को भी बाइट कर लेता। तो एक घर में जो है कि एक नहीं दो तीन मौत होती, लेकिन संजोग मनाइए कि उसकी बहन को कुछ नहीं हुआ और वो
सांप जो है कि ससरते जाकर जो है कि व्यूअर को जो है कि काट लिया। चलिए आप लोग को मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग ऐसा गलती कतई नहीं करें। वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।